हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं। दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में फिर बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के स्टॉक की, क्योंकि इसके जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं वो आ चुके हैं और आज इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो आज इस स्टॉक में 4.57% की करेक्शन चल रही है और ये जो स्टॉक है 378.90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है एट 2:25 PM। अब आने वाले टाइम में इसमें क्या और करेक्शन आएगी, जहाँ इसमें तेजी देखने को मिलेगी, इस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं वो भी देखेंगे कि किस तरह के रहे हैं, और इसके हम डिविडेंड की यील्ड की भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके स्टॉक का ही एनालिसिस जो है वो हम कर लेते हैं। यदि लास्ट 5 डे की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे आपको 1.57% की तेज़ी जो है वो देखने को मिलेगी। पहले इसमें क्लियरली पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था, लेकिन 400 का इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है। यहाँ से इस स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल रही है। यदि इस स्टॉक का लास्ट 1 मंथ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी आपको रेंज बाउंड काम होता ही दिखेगा। अपर रेजिस्टेंस लेवल 400 का है, लोअर सपोर्ट लेवल आप देख सकते हो इसने अब जो है वो 375 के अराउंड बना लिया है। तो इन्हीं लेवल्स के बीच में आपको ये जो स्टॉक है वो ट्रेड करता दिखेगा इन द लास्ट 1 मंथ, और 1.90% की जो करेक्शन है लास्ट 1 मंथ में हो चुकी है। और यदि इस स्टॉक का 6 मंथ का डाटा देखें तो यहाँ पे 17.27% की जो करेक्शन है वो देखने को मिल जाएगी। आइए अब हम इसका लास्ट 1 ईयर का डाटा देख लेते हैं। तो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में 3.63% की जो करेक्शन ही आपको देखने को मिलेगी। इसके चार्ट में भी आपको कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन ही देखने को मिलेंगे, और ये जो स्टॉक है कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, इसमें आपको कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन देखने को मिल रही हैं। बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी इसके स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। 5 ईयर का डाटा भी सेम पैटर्न शो कर रहा है, 18.68% की करेक्शन शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी जो है आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तो यदि लॉन्ग टर्म का मैक्सिमम डाटा देखें तो यहाँ पे जरूर आपको 1825% के मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में क्लियरली ये जो स्टॉक है एक मल्टी बैगर स्टॉक निकल कर आ रहा है। तो आइए इसके जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज ही इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। अब आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आप देख सकते हो इसके जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं, द BPCL Q3 कंसोलिडेटेड नेट हैज़ बीन इंक्रीज बाई 48% टू ₹2805 करोड़, द रेवन्यू हैज़ आल्सो इंक्रीज बाई 35%। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी आपको जो है राइज देखने को मिल रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और इसके रेवन्यू में भी बढ़िया देखने को मिला है। तो ये जो पैरामीटर है नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू, ये 48% एंड 35% के हिसाब से रिस्पेक्टिवली बढ़ रहे हैं। अब आने वाले टाइम में इसको आपको बाई करके चलना चाहिए, जहाँ इसको सेल कर देना चाहिए, जहाँ इस स्टॉक में किस तरह की आपको पोजीशन बनानी चाहिए, आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इस कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, वो भी देख लेते हैं कि किस तरह का डिविडेंड ये जो कंपनी है अपने इन्वेस्टर्स को देने जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का डाटा है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, 2805 करोड़ का रहा है, और इस कंपनी ने ₹5 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड यील्ड भी दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसके इन्वेस्टर्स को बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है और बहुत ही बड़ा डिविडेंड मिल सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है पहले भी बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देती है। तो अभी ये जो कंपनी है वो ₹5 का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देने जा रही है। आइए जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिस रिवर्स्ड Q3 अर्निंग्स ऑफ द BPCL कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द सोरिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो मेन इसके जो नंबर्स आए हैं, बढ़िया नंबर्स का कारण जो मेन निकल कर आ रहा है वो यही है कि क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वह बहुत ही सोर कर रही हैं, बहुत ही इंक्रीज कर गई हैं। तो देयरफॉर द फ्लाइट सर्विसेज कमिंग बैक टू नॉर्मलसी, ऑयल PSUs हैव इंक्रीज देयर ETFs, दैट इज एयर टर्बाइन फ्यूल प्राइसेज, दैट इज एक्सपेक्टेड टू गेट रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स ऑफ द PSU नवरत्ना कंपनी। However, they also maintained that the market was expecting more strong numbers from the company. तो यदि हम इसके एनालिसिस करें तो
तो जो मार्केट थी वो और अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी आप देख सकते हो अदरवाइज नंबर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो इसका जो मेन कारण है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ही बढ़ गई है, तो इसके कारण कंपनी को डायरेक्टली जो है वो फायदा हुआ है, और जिस कंपनी ने जो अपनी ATF है प्राइसेस उनको भी बढ़ाया हुआ है, तो इसका इस कंपनी को डायरेक्टली जो है वो बेनिफिट मिला हुआ है। कंपनीज ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन आर स्टिल डाउन, बट आप देख सकते हो इसके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है अभी भी रिडक्शन शो कर रहे हैं, एज द फ्यूल डिमांड फॉर द ATF फ्रॉम द एविएशन सेक्टर हैज़ रिमेंड टेपिड फॉर द क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 22। द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू पिकअप आफ्टर फास्ट अप्रोचिंग नॉर्मलसी इन द एविएशन सेक्टर। तो जैसे ही जो एविएशन सेक्टर है वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगा, तो इस कंपनी के नंबर्स में मार्जिन में भी आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो यदि इसके शॉर्ट टर्म के हम टारगेट देखें तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिस्ट ये जो स्टॉक है 410 से लेके और 415 के लेवल को हिट कर सकता है इन द शॉर्ट टर्म, और इसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस बनाने की ज़रूरत है वो 370 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है। तो शॉर्ट टर्म का इसका जो टारगेट है वो 410 से लेके 15 तक का है। पहले भी आप इसके चार्ट में देख सकते हो 400 का लेवल इसका बहुत ही रेजिस्टेंस लेवल है। पहले भी ये जो स्टॉक है 410 से लेके 15 तक बढ़ता है, फिर इसमें करेक्शन आ जाती है। तो कंटिन्यूसली इसके स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो अपर रेजिस्टेंस लेवल है वो 410 से लेके 20 तक बन रहा है, तो यही इसका जो पहला टारगेट रह सकता है। पर इसके लिए आप इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें, दैट इज़ फॉर ए लेवल ऑफ ₹370। द BPCL शेयर होल्डर्स टू बुक प्रॉफिट इन द शॉर्ट टर्म एज इट इज़ ए कॉमोडिटी स्टॉक विच इज़ ड्रिवन बाई द इंटरनेशनल ट्रिगर। तो क्योंकि ये जो आप देख सकते हो ये एक कंपनी जो है वो कॉमोडिटी स्टॉक है, तो जैसे ही ऑयल प्राइसेस चेंज होती हैं तो इस कंपनी के शेयर में भी आपको अकॉर्डिंगली जो है वो वेरिएशन देखने को मिलती है। इसके नंबर्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, और इसके जो वॉलेटिलिटी है जैसे कि हमने आपको 5 साल का चार्ट बताया है, 1 ईयर का चार्ट शो किया था, उसमें भी वॉलेटिलिटी है। तो इसी तरह ही इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी चलती है क्योंकि इसकी जो प्राइस जो इसके नंबर्स हैं दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ द क्रूड ऑयल। हाँ, ये आप नोट करके चलिए कि ये जो कंपनी है डिविडेंड बहुत ही अच्छा देती है, पहले भी इसने बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पे आउट दिया हुआ है, अभी ये जो कंपनी है ₹5 का जो है पर इक्विटी शेयर के लिए आपको डिविडेंड देने जा रही है, ये जरूर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। यदि आप डिविडेंड यील्ड पे जाना चाहते हो तो इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज क्या है कि इसके नंबर जो है वो आपको बेरी होते भी दिख सकते हैं, लेकिन जैसे ATF प्राइसेस बढ़ेंगी जो एविएशन सेक्टर है वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगा, तो इस स्टॉक में जरूर आपको शॉर्ट टर्म में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो ये आप जरूर नोट करके चलें। तो आइए इसके नंबर जो है थोड़े डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके नंबर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरह के रहे हैं। पहले हमने आपको बता दिया है इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और इसके जो नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इसके जो मार्जिन हैं वो जरूर आपको कॉन्ट्रैक्ट होते दिख रहे हैं, ये एक कंसर्न वाली बात है। तो यदि हम September 2021 का डाटा December 2021 के डाटा के साथ कंपेयर करें तो रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट का जो डाटा है वो भी आपको जो है वो रिड्यूस होता दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, EPS जो है वो रिड्यूस होता दिख रहा है, EPS जो है वो भी आपको रिड्यूस होता दिख रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको कॉन्ट्रैक्ट होते दिख रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मिक्स नंबर देखने को मिले हैं, अदरवाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको जो है वो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते दिख रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट का डाटा है वो पॉजिटिव है। सो एंड में हम आपको थैंक्स कहेंगे, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। दोस्तों अभी आप यदि किसी स्टॉक को डिविडेंड के लिए खरीदना चाहते हो तो ये जो कंपनी है डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा पे करती है, इसका यदि ओवरऑल डिविडेंड यील्ड देखें तो वो 8.71% का है। यदि आप अपना पैसा जो है वो किसी FD में लगाना चाहते हो तो ये जो कंपनी है FD से बेटर रिटर्न्स आपको डिविडेंड का ही दे देगी, अदरवाइज इसके ग्रोथ के अब चांसेस काफ़ी हैं, गवर्नमेंट जो है वो डिवेस्टमेंट की और ज़रूर बढ़ेगी आने वाले टाइम में, और इसमें आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलने के चांसेस हैं। सो थैंक्स अगेन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्सक्राइब जरूर करके चलें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा।